अस्सलाम वालेकुम, बलोच साहब यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मेरा नाम फैसल है और यह है आज की हमारी वीडियो। ओप्पो जो है बहुत ही जल्द ओप्पो F19 प्रो को पाकिस्तान में लॉन्च करने वाला है। तो हमारे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओप्पो F19 प्रो की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के बारे में और इसकी प्राइस पाकिस्तान में क्या रखी जाएगी। देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो सबसे पहले हम इस फ़ोन की डिस्प्ले की बात करेंगे। तो इस फ़ोन में हमें 6.43 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा जिसकी रेजोल्यूशन जो है 1080p होगी, यानी कि फुल HD प्लस डिस्प्ले होगा। साथ में 409 की PPI डेंसिटी होगी और यह डिस्प्ले एक पंच होल डिस्प्ले होगा जो कि लेफ़्ट साइड पे हमें होल पंच कटआउट दिया जाएगा। उसके अलावा हैंड डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट सेंसर होगा और फेस अनलॉक का भी हमें ऑप्शन दिया जाएगा। तो डिस्प्ले वाइज काफ़ी तगड़ा होने वाला है। उसके अलावा ये फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 के साथ में आने वाला है, जिसके साथ UI हमें ओप्पो का कलर OS 11 दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो इस फ़ोन में हमें MediaTek Helio P95 का ऑक्टाकोर चिपसेट दिया जाएगा जो कि 12 नैनोमीटर पे फैब्रिकेटेड है। साथ में 8GB की रैम होगी जो कि LPDDR4X वाली होगी और 128GB की बिल्टन स्टोरेज होगी जो कि UFS वाली होगी। और हो सकता है कि इसे 8GB रैम 256GB बिल्टन स्टोरेज में भी लॉन्च किया जाए। तो इस फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी तगड़ी होने वाली है। उसके अलावा बैक साइड पे जो है क्वाड रियर कैमराज होंगे, जिसमें जो मेन कैमरा होगा वो 48 MP का होगा। साथ में 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा, 2 का माइक्रो एंड 2 का डेप्थ सेंसर हमें दिया जाएगा। फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट साइड पे हमें 16 MP का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा जो कि पंच होल डिस्प्ले में होगा। तो कैमरा क्वालिटी काफ़ी तगड़ी होने वाली है। तो रियर कैमरा से आप जो है 4K तक की वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर पाएंगे और फ्रंट कैमरा से जो है आप 1080p की वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे। अगर बैटरी की बात करें तो इस फ़ोन में हमें 4310 mAh की बैटरी दी जाएगी, जिसके साथ जो है 30W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इसमें हमें दिया जाएगा जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा इसमें हमें Type-C की कनेक्टिविटी दी जाएगी और इसमें हमें 3.5mm ऑडियो जैक दिया जाएगा। डेडिकेटेड सिम स्लॉट का ऑप्शन होगा, यानी कि एक टाइम पे आप 2 SIM और एक मेमोरी कार्ड को भी लगा पाएंगे। और इस फ़ोन की जो बिल्ड है वो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की है। डिज़ाइन वाइज देखा जाए तो काफ़ी प्यारा डिज़ाइन है। तो ओवरऑल अगर स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो स्पेसिफिकेशन काफ़ी तगड़ी है। अगर प्राइस की बात करें तो ये फ़ोन पाकिस्तान में 55 से 60 हज़ार की प्राइस में लॉन्च हो सकता है। अगर 50 हज़ार की प्राइस में लॉन्च होता है तो काफ़ी तगड़ा ऑप्शन हो सकता है ओप्पो लवर्स के लिए। अगर लॉन्च डेट की बात करें तो ये फ़ोन जो है बहुत ही जल्द जो है पाकिस्तान में लॉन्च होने वाला है, यानी कि अगले महीने जो ये फ़ोन पाकिस्तान में लॉन्च हो सकता है और हो सकता है कि ये फ़ोन जो है इसी महीने के लास्ट में लॉन्च किया जाए। तो दोस्तों, इस फ़ोन के बारे में जैसी कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।